जहां एक तरफ केआरके सलमान और मिक्का को लेकर परेशान है, अब उन पर एक और नई मुसीबत आ गई है। जी हां, और इस बात को खुद केआरके ने शेयर किया है और मुंबई पुलिस से अपील की है। केआरके ने अपने घर के सीसीटीवी कैमरा की कुछ तस्वीरों को शेयर किया, जिसमें ये आदमी जो है उनके घर जाता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए, ये उनके मुंबई का घर है और ये उनकी तिजोरी जहां पैसे थे। इसको शेयर करते हुए लिखा, लास्ट नाइट दिस मैन डिड ब्रेक विंडो टू एंटर इन माई हाउस, देन ही डिड ब्रेक द सेफ एंड टेक अवे ऑल द कैश। आई होप मुंबई पुलिस, सीपी मुंबई पुलिस विल कैच हिम सून। तो उनके घर पर चोरी हुई है और अब उनका ये कहना है कि मेरे घर पर एक शख्स आया जिसने खिड़की से तोड़ के आया घर, और उसके बाद जो है उसने जो तिजोरी है उसको तोड़कर सारे पैसे ले लिए हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा, यूर सेफ इज ब्रेकेबल गोदरेज ग्रुप मीन्स यू आर फूलिंग पीपल इफ अ सिंपल थीफ कैन ब्रेक इट। तो अब केआरके के घर चोरी हुई है और उनका जो पैसा था, कैश था, वो चोर लेकर जा चुका है और मुंबई पुलिस और सीपी मुंबई से उन्होंने अपील की है कि उम्मीद है कि आप इस चोर को पकड़ लेंगे। तो एक बात तो तय है कि केआरके ने अब जहां एक तरफ सलमान खान ने उन पर डिफेमेशन केस किया है, दूसरी तरफ मिक्का सिंह ने जैसे ही सलमान को सपोर्ट किया, केआरके ने मिक्का के लिए भी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा, मिक्का भी उनके लिए लिख रहे हैं। लेकिन अब केआरके पर एक नई मुसीबत आई है और उनके घर में चोरी हो गई है।